अरे नीतीश कुमार जी, आप जैसा दल बदलू और आप जैसा पलटी मार बिहार के लोगों ने नहीं देखा है। आपको हम लेने के लिए कहां तैयार है जो आप आने के लिए तैयार है। नीतीश बाबू, बीजेपी आपके पिता की तरह है जिसने आपको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से कहे गए, जहां उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने हमेशा आपकी पार्टी के लिए पिता का स्वरूप निभाया है, पिता की जिम्मेदारी निभाई है, जिस बीजेपी ने आपको सत्ता में लेकर आया है। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने से लेकर आपको यहां तक लेकर आ गई है बीजेपी। सम्राट चौधरी ने आगे ये भी कहा कि सिर्फ आपकी पार्टी जदयू ही नहीं, बल्कि आप जिसे बड़े भाई जैसा सम्मान देते हैं, जिसे अपना बड़ा भाई मानते हैं, उनकी पार्टी के लिए भी बीजेपी एक पिता के समान ही है। कि जब आरजेडी को बीजेपी की जरूरत पड़ी थी, जब लालू यादव संकट में थे, तब बीजेपी ने ही आगे आकर उनकी मदद की थी। एक वक्त ऐसा था जब लालू यादव को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा था। नीतीश बाबू चाहे कितना भी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जनता है ये सब जानती है, और जनता झूठ और सच के बीच का फर्क भी अच्छे से पहचानती है। ऐसे में ये जो बातें आप कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होना है या नहीं, बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, ये आप कहां से कह रहे हैं? अरे जब हम आपको लेने को तैयार ही नहीं है तो आप यहां कैसे आ जाएंगे? बीजेपी के सारे रास्ते, बीजेपी के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। और बीजेपी, इतना याद रखिएगा कि आपकी पार्टी और आपके बड़े भाई की पार्टी के लिए हमेशा एक पिता के रूप में है। बीजेपी का कद, बीजेपी का ओहदा इतना ऊपर है। सम्राट चौधरी ने किस तरीके से बीजेपी को पिता के समान बताया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला है, आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। नीतीश बाबू, बिहार की जनता सब जानती है, आप ही हैं जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपने उसको भी प्रूव किया, आप भाजपा के साथ आए। और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पिता के स्वरूप में बनकर अपना कंधा देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, और आप ही को नहीं बनाया, जिनके कंधे पर आज बैठे हैं उनको भी कंधा देकर लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी, शर्म कीजिए, बिहार की जनता अब सब कुछ जानती है। अब जनता तय करेगी कि 24 में आपको कितने सीटों पर शून्य बहुत बड़ा अंडा आकार में आपको मिलने जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। बिहार की जनता को वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी, आप जैसा दल बदलू और आप जैसा पलटी मार बिहार के लोगों ने नहीं देखा है। राजनीतिक तौर पर जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको पिता के तौर पर बढ़ाने का काम किया, और आपको नहीं, आपके बड़े भाई लालू प्रसाद जी को भी बड़ा करने का काम किया, उसी के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं।